बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है? सही जवाब है कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा। क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कितनी आसमानी किताबें नाजल फरमाई हैं? सही जवाब है अल्लाह ताला ने कुल 4 आसमानी किताबें नाजल फरमाई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 4 आसमानी किताबें हैं वो किन अंबियाए कराम पर नाजल की गई? सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप बता सकते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गजवा में शिरकत फरमाई? सही जवाब है गजवाए अबवा में। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की पहली मस्जिद जो जमीन पर बनाई गई उस मस्जिद का क्या नाम है? सही जवाब है मस्जिद हराम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज आई उसमें क्या कहा गया था? सही जवाब है मोहम्मद अपने सतर को डांप लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप बता सकते हैं कुरान मजीद की कौन सी सूरतों का आगाज अलहम्द से होता है? सही जवाब है सूरह फातिहा, सूरह इनाम, सूरह सबा, सूरह कहफ और सूरह फातर।